कुमार की दुकान में आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मैं झारखंड के एक छोटे से जिले बोकारो में रहता हूँ और बोकारो में सेक्टर 9 के दरभंगा होटल के बगल में एक कुमार का दुकान है जो कि मिट्टी का सामान बनाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो सीमेंट का गमला है इन्होंने खरीद के लाया है, इम्पोर्ट किया बाहर, इसीलिए ये दाम फिक्स रख रहे हैं 70-80 रुपये से करके बोल रहे हैं। देखते हैं, इनसे अभी बार्गेनिंग करेंगे हम लोग। पहले आप गमला देख लीजिए, कौन सा गमला हम लोग ले जो जाके बेहतर रहेगा। दोस्तों, अभी हम लोग प्लांट खरीदने के लिए आया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा प्लांट ले, क्या ये ले क्या वो ले। लेकिन 100 प्लांट लेना है, लेकिन कौन सा ले यह नहीं समझ आ रहा है। देखते हैं कौन सा प्लांट लेते हैं। दोस्तों, हम लोग फाइनली एक प्लांट ले लिए है, जिस प्लांट का नाम है एरिका प्लम, यानी कि सुपारी का प्लांट है, लेकिन 100 प्लांट का भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हमने साइंस प्रोजेक्ट के लिए ये वाला प्लांट लिया है। आप चाहे तो कोई अदर भी ले सकते हैं अपने पसंदीदा, हम ये लिए हैं, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक गार्डनिंग में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल प्लांटेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस टॉपिक को सुन के आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे टेक गार्डनिंग में प्रोजेक्ट भी आ गया। हाँ दोस्तों, आज अगर आप घर के लिए भी प्लांट परचेस करते हो, घर के लिए भी अगर 100 प्लांट अगर लगाते हो, या स्कूल के लिए या कहीं के लिए भी आपको बोला गया है, अगर स्कूल के लिए बोला गया होगा तो नंबर 1 बेस्ट प्राइज आपको मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर कंपटीशन में फर्स्ट आना है और घर में 100 प्लांट लगा के दिल सबका जीतना है तो वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल देख के आपने समझ गया होगा कि वीडियो वैल्यूबल है, तभी आपने वीडियो को क्लिक किया। तो आप वीडियो शुरुआत से लेके अंत तक देखिए, पूरी जानकारी के साथ टेक गार्डनिंग आपके साथ जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, यह वह गमला है जो कि मैंने लिया है। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, आप इससे चौड़ा भी ले सकते हो, मुझे यही पसंद आया, मेरे बजट में आया तो मैंने ये ले लिया है। दोस्तों, अब आपको एक सूती कपड़े लेके अपने गमले को अच्छे तरीके से पोंछ देना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डस्ट लगी रहती है, जिसके कारण से अगर हम पेंट करते हैं तो पेंट डस्ट के साथ चिपक के बहुत ज़्यादा खराबी हो जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, या फिर धो दो गमले को, फिर सुखा दो, या फिर कोई सूती साफ कपड़े से उसे पोंछ दो। तो मैं इसे पोंछ ले रहा हूँ, उसके बाद इसमें पेंट करूँगा। और पेंट का भी आइडिया मेरा कुछ ख़तरनाक है, कौन सा पेंट करना चाहिए आपके ख्याल से। दोस्तों, मैंने गमला अच्छे तरीके से पोंछ लिया है, आपको भी पोंछ लेना अच्छे तरीके से। अब दोस्तों, हम करेंगे पेंट। पेंट के लिए दोस्तों सबसे स्लो और सबसे स्मार्ट दिखने वाला पेंट मेरे ख्याल में आया है येलो और ऑरेंज। दोस्तों, येलो और ऑरेंज कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा होता है। तो दोस्तों, ये कौन सा ब्रांड का है पेंट देख लीजिए आप, और आपको कोई भी लेना, ऑयल पेंट लेना है अगर आप ऑयल पेंट ले सकते तो ऑयली पेंट लेना। तो ऑयल पेंट में पहले हम येलो पेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अच्छा ब्रश हो तो ही आप ब्रश से पेंट करना, नहीं तो मेरे तरह आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले ब्रश से पेंट करना स्टार्ट किया, बट ब्रश से अच्छा से पेंट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उंगली का सहारा लिया और उंगली से पेंट किया। देखिए आप कैसे मैं कर रहा हूँ उंगली से। दोस्तों देखिए, यह हमारा गमला जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पेंट कर दिया है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना ऑरेंज और येलो कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक लग रहा है। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑरेंज नहीं चाहते होंगे तो येलो के साथ ब्लैक या रेड या कोई भी कलर लगा सकते हो, लेकिन ऑरेंज या रेड का जो कलर होता है ना दोस्तों, खतरनाक ही होता है। ऑरेंज और येलो कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, अब हम तैयारी करेंगे मिट्टी का, कितना मिट्टी लेना है, हमें कितना
कंपोज देना है और कितना फंगिसाइड पाउडर देना है। पूरी तैयारी के साथ आप टेक गार्डनिंग में बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आपको पहले गार्डन सॉइल लेना है। गार्डन सॉइल आपको दोस्तों 70% लेना है, जैसे कि मैंने लिया है। फिर 70% गार्डन सॉइल में हम लोग मिलाएंगे 20% काउ डंग कंपोस्ट। दोस्तों काउ डंग कंपोस्ट बहुत ही नेचुरली होता है और अगर आप इसे सूखा डालते हो तो ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों हम लोग लेंगे 10% फंगसाइड पाउडर। हमारे पास फंगसाइड पाउडर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हर वीडियो की तरह हर मज़ेदार बात में बताते रहता हूँ। दोस्तों मेरे पास कुछ एक घरेलू उपाय है जिससे कि आप फंगसाइड का काम इससे भी करवा सकते हो। दोस्तों राख, दोस्तों फंगसाइड का काम यह होता है कीड़ा ना लगने देना अपने पौधे में। दोस्तों राख भी एक ऐसा काम करता है जो पौधे में मिट्टी में कोई भी फंगसाइड कीड़े को लगने नहीं देता है। दोस्तों अब हम सॉइल को मिक्स करेंगे पूरे एकदम कंटेनर में, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पूरा फंगिसाइड और खाद और सब अच्छे तरह से मिक्स करना है आपको पहले। दोस्तों अब हम मिट्टी को डालेंगे गमला में और अच्छे तरीके से गमला में मिट्टी डालेंगे। और किस तरह से डालना है और कैसे डालना है ये सब आपको बात ख्याल में रखना होगा। जैसे दोस्तों मैं डालूंगा वैसे ही आपको डालना है। चलिए देखते हैं कैसे डालते हैं। दोस्तों पहले तो आपको ये होल को बंद करना होगा। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। होल को बंद करना मतलब कि होल से मिट्टी नहीं गिरना, पानी तो गिरे मिट्टी नहीं गिरे। तो होल को हम लोग इस तरह सेपरेट बंद करेंगे जो कि पानी गिर सके और मिट्टी ना गिरे। तो हमने दो पत्ता लिया है, जिससे एक पत्ता एक गमले के लिए, दूसरा पत्ता दूसरा गमले के लिए। तो हमने ये पत्ता को गमले के आपके होल के ऊपर रख देना है, जिससे कि हमारा मिट्टी नहीं गिर के पानी गिरेगा। तो आपको ये बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है। दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा मिट्टी नहीं भरना है, आधा आधा भर सकते हैं आप, 50% भर सकते हो। मैंने अभी आधा आधा भरा हूँ। क्यों भरा हूँ आधा आधा, बागे चल के बताऊँगा मैं। देखिए अलग गमले में भी मैं आधा आधा भर दे रहा हूँ, ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं भरना, आधा आधा भरना है। दोस्तों मैंने इसीलिए हाफ ऑफ मिट्टी भरा था गमला में, क्योंकि यह पौधा अंदर से लगा सकूँ, क्योंकि जितना अंदर से पौधा लगाऊंगी उतना ही ज़्यादा रूट बढ़ेगा इसका। इसलिए मैंने इस पौधे के रूट को, जड़ को अब हाफ में रखूँगा और मिट्टी ऊपर से भर दूंगा और अच्छे तरीके से इसे मिट्टी में मिला दूंगा कि ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ग्रो हो सके, इसके रूट फैल सके। दोस्तों आपको इस मिट्टी में से इसको अच्छे से निकालना है, क्योंकि इसमें रूट टूटने की भी चांस रह सकती है। तो मैं भी बहुत अच्छे से निकाल रहा हूँ, केयर से निकाल रहा हूँ, और आप भी अच्छे से निकालिएगा। देखिए दोस्तों मैंने निकाल लिया है पौधा और दो दो करके पेयर में लगाऊंगा दोनों गमले में। अब इसे अच्छे तरीके से हमें लगाना है। दोस्तों अब इस गमले में भी लगाना है हमें पौधा, और उसी तरह सेम टू सेम लगाना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको हाफ मिट्टी डालना है, हाफ गमले मिट्टी डालना है, उसी तरह मैंने डाला था। अब इसके ऊपर से मैं मिट्टी डाल दूंगा।
तो दोस्तों अब बारी आती है पानी देने की। तो दोस्तों आपको पानी एकदम रेडियस से किनारे देना है, जो कि आपका प्लांट लगा हुआ है उसके बिल्कुल किनारे किनारे देना है सर्कल के, क्योंकि अगर आप बीच में पानी देते हो तो बीच में पानी देने से आपका जो रूट है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो फिर आपका प्लांट सूखने में सूख जाएगा। तो इसलिए आपको पानी एकदम ध्यान से देना है और किनारे किनारे पानी देना है और धीरे धीरे पानी देना है। तो चलिए दोस्तों मैं दे रहा हूँ, उसी तरह आपको भी देना है। तो दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से पानी दे दिया है। जैसा कि आप लोग को पता है अभी विंटर के समय में हम लोग इसे जर्मिनेट ग्रो किए हैं, तो आपको एक ही बार पानी देना है, उसके बाद अगले वीक के बाद पानी देना है। अगर आप धूप में भी रखते हैं तो मैक्सिमम 5 दिन के बाद ही पानी आपको देना है, क्योंकि ठंड के समय में कम पानी दिया जाता है। अब दोस्तों कुछ दिन बाद देखते हैं क्या हमारा ग्रो होता है पौधा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक। अगर हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल करना सब्सक्राइब। और दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हो कुछ भी, अगर आपको जानकारी पूछना हो और कुछ बात अगर शेयर करना हो तो कमेंट करके शेयर कर सकते हो। और अपने दोस्तों को भी दोस्तों ज़रूर शेयर करना यह वीडियो, क्योंकि उन लोगों के पास भी जाए यह वीडियो, उन लोगों को भी फर्स्ट प्राइज़ मिले। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से बोलूँगा लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।